आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट है और इसमें आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। मेनली ये एक दूसरे को देखकर होता है। यदि कोई अपने सामने ज़्यादा पढ़ने में हो या फिर ज़्यादा पैसा हो, यानी कंपैरिजन होता है कि भाई उस पर तो ये चीज़ें हैं और मेरे पे नहीं हैं। इसमें क्या होता है, इससे आप डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। आपका मन जो है दबाव मानने लगता है और आप उससे उभर नहीं पाते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसका कारण क्या है, और भी बहुत कारण हैं, जैसे कुछ केसेज में जेनेटिक कारण होते हैं, उनके पेरेंट्स उनके बुज़ुर्गों में होते हैं और वो जेनेटिकली इनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं बच्चों में, या फिर जैसे एनवायरमेंटल कॉज होते हैं, जैसा कि अभी मैंने एक कॉज बताया, इस टाइप के कॉज होते हैं। तो जब डिप्रेशन में हो गया आदमी, तो डायग्नोसिस आप किस तरह करते हैं कि आदमी कहीं भी अकेला बैठा हुआ होगा, मूड उसका डिप्रेस्ड होगा, हंसना खेलना सब बंद हो चुका होगा और एक कोने से मैं चुपचाप बैठा हुआ होगा। इस तरीके से आप उसका फेस देख के, एक्टिविटी देख कर और उसका इंटरेस्ट देख के कि भाई किसी भी चीज़ में बंदा इंटरेस्ट नहीं लेता है, ना पढ़ाई में, ना कोई खाने पीने में, ना कोई सामान खरीदने में, ना बेचने में। तो जब देखते हैं कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब वो डिप्रेशन में पहुंच गया। अब हम डिप्रेशन को जब ये डायग्नोस कर लेते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी वही है कि उसको मोटिवेशन में लाएं और खूब मोटिवेट करें, कंपैरिजन को ख़त्म कर दें, बोलें यार इसमें कुछ नहीं है, तुम मस्त मलंग रहो। ये दुनिया में ऐसे ही चलता है, किसी पे कम होता है, किसी पे ज़्यादा होता है। तो क्यों परेशान होते हो, थोड़ा उससे मेडिटेशन कराओ। जैसा मैंने मेडिटेशन की टेक्निक बताई थी कि सांस पर ध्यान दो और यदि दाएं बाएं जाता है प्रेजेंट या पास्ट में ये ध्यान, फिर इसी में ले आओ। इस तरीके से वो बैठना शुरू करें, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा डेली, और फिर देखें कि इस डिप्रेशन में बहुत फ़ायदा होगा। साथ में कुछ इसकी दवाइयां हैं, जैसे पैरोक्जिटीन वगैरह है, तो ऐसी दवाई भी डॉक्टर की सलाह से लेनी शुरू कर दें। यही नहीं, सब में खेलें, कूदें, आनंद करें, एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, सुबह ही को उठें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, समय पर खाना खाएं, ठीक नींद लें, और घर वालों का और पड़ोसियों का भी ये अधिकार बनता है कि वो अपने बच्चे पर ध्यान रखें और उसको किसी भी तरह किसी से डिप्रेस्ड ना होने दें। खुद भी मोटिवेट करें और औरों से भी मोटिवेट कराएं, क्योंकि इससे क्या है कि वो मोटिवेशन मोड में पहुंच जाएगा। इसके लिए और भी काफ़ी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हैं, जैसे मोटिवेशन हो गया, इसी तरीके से ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है, वो भी आप ठीक सेंटर से दिलवा सकते हैं, और मैंने जैसा बताया साइकेट्रिक डॉक्टर से कंटिन्यू दवाई भी देते रहो। तो इस तरह कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति जो डिप्रेशन में पहुंच जाता है, उसको आप नॉर्मल कर सकते हैं। थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।